पहले हम डिस्कस कर लेते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, जिसमें फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म होते हैं। तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन बाय विच स्पर्म्स आर फॉर्म फ्रॉम द जर्म सेल। ठीक है, अब रिकॉल करें, हमने क्या कहा था, गोनेड्स होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसके अंदर क्या होते हैं, जर्म सेल होते हैं। तो जर्म सेल डिवाइड होंगे, सेल डिवीजन करेंगे, जिसके नतीजे में वो क्या फॉर्म करेंगे, गैमेट्स फॉर्म करेंगे। दीज जर्म सेल आर प्रेजेंट इन मेल गोनेड्स आर टेस्टिस। अब देखें यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया, अगर हम ओवरऑल टर्म में बात करें तो हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या कहते हैं, गोनेड्स कहते हैं। लेकिन अगर हम मेल के गोनेड्स की बात करें कि मेल में गोनेड्स क्या हो कहलाते हैं, तो मेल में क्या होते हैं, वो टेस्टिस होते हैं। मेल गोनेड्स कहाँ मौजूद होते हैं, टेस्टिकल्स के अंदर मौजूद होते हैं। द जर्म सेल प्रेजेंट इन द टेस्टिस फर्स्ट ट्रांसफॉर्म माइटोटिकली इंटू स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया कन्वर्ट इंटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या होगा, सबसे पहले जर्म सेल है, जर्म सेल जो टेस्टिस के अंदर है वो माइटोसिस करेगा। माइटोसिस के नतीजे में वो दो स्पर्मेटोगोनिया फॉर्म करेगा। फिर स्पर्मेटोगोनिया जो है वो थोड़ा सा चेंज होगा और अपना साइज बड़ा करेगा और वो बना देगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, ईच प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड मियोटिकली इंटू टू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब जो है हमारे पास जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, पहले वो करेगा मियोसिस वन, मियोसिस वन में वो बना देगा दो सेल जिसे हम कहेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। देखें क्रोमोसोम्स आप देखें 46 से अब 23 और 23 हो गए। इसके बाद जो है वो दीज फर्दर डिवाइड टू फॉर्म फोर जेनेटिकली डिफरेंट हेप्लोइड स्पर्मेटिड्स। इसके बाद जो सेकेंडरी ऊसाइट है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है सॉरी, वो मियोसिस टू करेगा, मियोसिस टू करेगा। अच्छा, मियोसिस टू के बाद वो क्या बना देगा, फोर स्पर्मेटिड्स बना देगा। क्या कहलाएगा, फोर स्पर्मेटिड्स। ईच स्पर्मेटिड डेवलप इंटू स्पर्म। द इंटायर प्रोसेस टेक्स अबाउट 10 वीक्स टू बी कम्प्लीटेड। ये पूरा जो प्रोसेस है उसमें 10 हफ्ते लगते हैं। फिर स्पर्मेटिड के बाद जो है इसकी पूरी फिजिकली ये चेंज होगा, फिजियोलॉजी और फंक्शन मॉर्फोलॉजी इसकी चेंज होगी, डेवलप्ड होगा, ये हेड आएगा, इसका टेल पीस आ जाएगा पूरा। तो जब ये पूरा टेल के साथ ये जो पूरा जब डेवलप हो जाएगा तो इसे हम कहेंगे स्पर्म। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर फॉर्मेशन होती है फोर स्पर्म्स की, ये बात याद रखनी। ठीक है, मेल गैमीट्स जो है या मेल जो है गोनेट्स जो है वो जब फॉर्म कर जाए तो इसमें 4 स्पर्म्स आते हैं, जबकि फीमेल के अंदर ओनली 1 ओवम बनता है। ठीक है, अब हम प्रोसेस को दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या होते हैं, जर्म सेल होते हैं, वो माइटोसिस करते हैं, तो हमारे पास स्पर्मेटोगोनिया बनता है। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस करता है तो वो क्या बना देता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और स्पर्मेटोगोनियम का जो क्रोमोसोमल ऑर्डर होता है, लाइक 46 और 46, वो सेम रहते हैं। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है कि माइटोसिस में सेल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, वो सेम होते हैं। तो स्पर्मेटोगोनियम में डायग्राम में वैसे मेंशन नहीं है, लेकिन वैसे मैं आपको बता रही हूँ कि अगर 46 है तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर भी कितने होंगे, 46 ही होंगे। बिकॉज यहाँ पे क्या हुआ है, माइटोसिस हुआ है, और माइटोसिस के नतीजे में क्या होता है हमारे पास, जो डीएनए होता है या जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो सेम रहता है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, जो स्पर्मेटोसाइट है, ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या बना देगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना देगा। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या करेगा, यहाँ से अब जो हो रहा है ना वो मियोसिस हो रही है, इसके ऊपर जो हुआ था प्रोसेस वो क्या हुआ था, माइटोसिस हुआ था, माइटोसिस हुआ, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना। अब इसके बाद यहाँ पे अमल स्टार्ट हो जाएगा मियोसिस का। मियोसिस जो है वो दो फेजेस में होता है, एक कहलाता है मियोसिस वन और दूसरा कहलाता है मियोसिस टू। इस कंप्लीट प्रोसीजर को मिला के हम कहते हैं मियोसिस। तो पहला मियोसिस वन हुआ, जब मियोसिस वन हुआ तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड हुआ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में। अच्छा, मियोसिस में हमने ये बात पढ़ी है कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रिड्यूस टू हाफ हो जाती है। तो ऊपर आप देख सकते हैं कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में 46 है और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्या हुआ, 23 और 23, मतलब जेनेटिक मटेरियल क्या हो गया, हाफ आया। ठीक है, तो ये जो फेज है जहाँ पे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने, यहाँ तक कहलाते हैं मियोसिस वन। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है जिसके नतीजे में स्पर्मेटिड्स बन रहे हैं, ये प्रोसेस कहलाते हैं मियोसिस टू। इसमें क्या होता है कि एक सेल डिवाइड हुआ दो में, दूसरा सेल डिवाइड हुआ दो में, तो 4 स्पर्मेटिड्स आ गए। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें तो डीएनए जो है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है, वो सेम है, 23 क्रोमोसोम में, तो नीचे में भी क्या है, 23 है। तो मियोसिस टू को हम रिजेम्बलेंस देते हैं किससे, माइटोसिस से।
ठीक है, क्योंकि उसमें सेम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है और क्या कहते हैं दो सेल फॉर्म होते हैं, तो इस वजह से मियोसिस टू को जो है हम रिजेंबल कर सकते हैं, करते हैं बेसिकली, तो कहते हैं कि ये माइटोसिस की तरह ही होता है। लेकिन ओवरऑल मियोसिस की बात करें तो उसमें क्या होता है, चार डॉटर सेल फॉर्म होते हैं और नंबर जो है वो रिड्यूस हो जाता है। अगर हम पेरेंट सेल से देखें, लाइक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से देखें, तो जो स्पर्मेटिड है उनका क्या हो गया, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रिड्यूस टू हाफ हो गई है। ठीक है, इसके बाद स्पर्मेटिड मॉडिफाइड होते हैं तो वो क्या बना देते हैं, कंप्लीट स्पर्म्स बना देते हैं, जिसके नतीजे में फोर स्पर्म हमारे पास फॉर्म हो जाते हैं। तो ये था स्पर्मेटोजेनेसिस। इसके बाद हम डिस्कस कर लेंगे ऊजेनेसिस। नाउ कम टू द ऊजेनेसिस। ऊजेनेसिस किसके अंदर होता है, फीमेल्स के अंदर होता है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन बाय विच ओवर एग अ फॉर्म फ्रॉम जर्म सेल। इसमें क्या होगा, जो जर्म सेल होंगे वो क्या फॉर्म करेंगे, ओवम या फिर एग। दीज जर्म सेल आर प्रेजेंट इन द फीमेल गोनेड्स द ओवरीज। ये बात मैंने आपको पीछे ही बताई थी कि होल एज अ होल हम बोलते हैं गोनेड्स। अगर मेल के गोनेड्स बात करें तो वो क्या कहलाते हैं, ओवरीज कहलाते हैं। ठीक है, और फीमेल गोनेड्स क्या कहलाते हैं, ओवरीज कहलाती हैं। ठीक है, सॉरी मैंने कहा मेल गोनेड्स जो कहलाते हैं वो टेस्टिस कहलाते हैं और फीमेल गोनेड्स कहलाते हैं ओवरीज। तो दीज स्टेम सेल आर प्रेजेंट इन द फीमेल गोनेड्स द ओवरीज। जो फीमेल के गोनेड्स हैं ओवरीज, उस वो बिल्कुल सेम ही है जो हमने वहाँ पीछे पढ़ा है ना। तो फीमेल गोनेड्स कहलाते हैं ओवरीज। ओवरीज के अंदर क्या मौजूद होंगे, जर्म सेल होंगे। अब ये जर्म सेल इन दी ओवरी डिवाइड करेंगे माइटोटिकली तो क्या फॉर्म करेंगे, ऊगोनिया फॉर्म करेंगे। क्या फॉर्म करेंगे, ऊगोनिया। ऊगोनिया क्या बना देंगे, प्राइमरी ऊसाइट। ऊगोनिया डेवलप इनटू प्राइमरी ऊसाइट, लेटर अंडरगो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन टू फॉर्म टू अनइक्वल सेल, अ लार्जर सेकेंडरी ऊसाइट एंड अ स्मॉलर पोलर बॉडी। अब यहाँ पे क्या होगी, पहली मियोटिक डिवीजन होगी जिसके नतीजे में एक ऊसाइट बनेगा जिसे हम कहेंगे सेकेंडरी ऊसाइट, और दूसरा छोटी सी सेल बनेगा जिसे हम कहेंगे पोलर बॉडी। ठीक है, ईच ऑफ विच फर्दर डिवाइड टू फॉर्म अ लार्ज हैप्लॉइड ओवम और एग एंड थ्री पोलर बॉडीज। अब जो सेकेंडरी ऊसाइट है वो डिवाइड होगा तो वो क्या कहते हैं, एक मेच्योर ओवम बना देगा और एक पोलर बॉडी बना देगा, और जो दूसरी जो पोलर बॉडी थी, जो फर्स्ट पोलर बॉडी आई थी, वो भी जब डिवाइड होगी तो वो भी दो इसके नतीजे में क्या बना देगी, पोलर बॉडीज बना देगी। ये जो पोलर बॉडीज है सारी, ये क्या होंगी, दीज पोलर बॉडीज रिमेन्स स्मॉल एंड नॉन फंक्शनल एंड डिसइंटीग्रेट। ये जो तीनों पोलर बॉडीज है ओवरऑल हमारे पास, ये क्या होंगी, फंक्शन लेस होती है, स्मॉल होती है, तो ये क्या हो जाती है, डिसइंटीग्रेट हो जाती है और ख़त्म हो जाती है। और ये जो पूरा प्रोसेस है, ये जो पूरा ऊजेनेसिस का, जिसके नतीजे में मेच्योर ओवम फॉर्म होता है, ये कंप्लीट करने में एक महीना लेता है। वो उसके नतीजे में यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा है ऊजेनेसिस का, तो ये पूरा 1 मंथ लेता है। अब डायग्रामेटिकली देख लेते हैं, आप साइड में देखें डायग्राम बनी हुई है। सबसे पहले हमारे पास हमने कहा जर्म सेल है, जर्म सेल जो है वो क्या बना देंगे, ऊगोनिया बना देंगे। ठीक है, ऊगोनिया बनेगा, जब ऊगोनिया के बाद क्या बना देगा, वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ऊसाइट बना देगा। ठीक है, ऊगोनिया कन्वर्ट होकर जाएगा किसके अंदर, प्राइमरी ऊसाइट के अंदर। लेटर यहाँ पे जो ऊसाइट बना है, प्राइमरी ऊसाइट, इसके अंदर यहाँ पे क्या होता है, माइटोसिस होता है। ठीक है, हमेशा हमने याद रखना, जैसे स्पर्मेटोगोनिया था उसके बाद जो स्पर्मेटोसाइट बना था तो उसमें क्या हो रहा था, माइटोसिस हो रहा था। तो यहाँ पे भी यही है कि ऊगोनिया है, ऊगोनिया के बाद जो प्राइमरी ऊसाइट है, तो यहाँ पे माइटोसिस हुआ तो प्राइमरी ऊसाइट बना। अब इसके बाद प्राइमरी ऊसाइट जो है वो थोड़ा सा जो है वो बड़ा हो जाएगा, इनलार्ज हो जाएगा, उसके बाद यहाँ से अब स्टार्ट होगी मियोटिक डिवीजन। मियोटिक डिवीजन होगी तो मियोटिक वन होगा, जिसके नतीजे में क्या बनेंगे, दो सेल बन जाएंगे, सेकेंडरी ऊसाइट बन जाएगा और एक पोलर बॉडी बन जाएगी। ठीक है, फिर सेकेंडरी ऊसाइट के बाद एक और मियोसिस होगा जिसे हम कहते हैं मियोसिस टू। तो इसके नतीजे में हमारे पास जब ऊसाइट डिवाइड होगा तो वो एक ओवम और एक पोलर बॉडी, और जो पोलर बॉडी डिवाइड होगी तो वो दो पोलर बॉडी ही बना देगी। तो जो तीनों पोलर बॉडीज हैं इनका कोई काम नहीं है, फंक्शन लेस हो जाती है। और जो ओवम है हमारे पास, यहाँ पे मैंने आपको यही बताया था डिफरेंस के स्पर्मेटोजेनेसिस और ऊजेनेसिस में यही डिफरेंस है कि उसमें चार स्पर्मेटिड्स बनते, स्पर्म बनते, इधर सिर्फ एक मेच्योर ओवम बनता है। और एक और बात यहाँ से आपके पास समझ में आनी चाहिए कि जर्म सेल जो होते हैं, जो गोनेड्स होते हैं, उसमें दोनों तरह के प्रोसेस होते हैं। ठीक है, मतलब हम ये कहते हैं कि कुछ बच्चों को ये कॉन्सेप्ट होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुई है तो सिर्फ मियोसिस हुआ होगा, लेकिन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ही वो है। लेकिन यहाँ पे जो जर्म सेल है वो जो है माइटोसिस भी कर सकते हैं और मियोसिस भी कर सकते हैं, क्योंकि आपने देखा कि माइटोसिस हुआ, उसके बाद मियोसिस वन और मियोसिस टू हुआ। फिर हमारे पास नेसेसिटीज में जो हमने पढ़ा था, तो उसमें सबसे पहले था गैमेटोजेनेसिस, अब सेकंड था
मेटिंग एंड फर्टिलाइजेशन। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच मेल एंड फीमेल कंट्रीब्यूट देयर गैमेट्स फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन फॉर्मेशन ऑफ अ डिप्लॉयड जाइगोट। मैटिंग में क्या होता है कि दोनों कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं अपने मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। और फिर जब ये यूनाइट हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। ये दोनों मैटिंग और फर्टिलाइजेशन में कोई खास डिफरेंस नहीं, दोनों क्लोज क्लोज ही आते हैं। बस फर्टिलाइजेशन की बिल्कुल पहले वाली कंडीशन क्या कहलाती है, मैटिंग कहलाती है। उसके बाद फौरन ही क्या हो जाती है, फर्टिलाइजेशन हो जाती है, जिसमें दोनों गैमेट्स क्या हो जाते हैं, यूनाइट हो जाते हैं और जाइगोट बना देते हैं जो कि डिप्लॉयड होता है। दिस जाइगोट फर्दर डेवलप इंटू एन ऑफस्प्रिंग आइदर इनसाइड द बॉडी ऑफ अ फीमेल लाइक मैमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग और आउटसाइड और अ बॉडी लाइक फिश एंड फ्रॉग। अब ये जो जाइगोट है, ये जाइगोट जब ऑफस्प्रिंग बनाता है या इंडिविजुअल बनाता है, अब यहाँ पे दो कंडीशंस आ जाती हैं। या तो वो मदर की बॉडी के अंदर डेवलप करता है जैसे कि मैमल्स इंसानों के अंदर होता है, या तो वो बॉडी के आउटसाइड डेवलप करता है जैसे कि फिशेस और फ्रॉग में होता है। ठीक है, तो अब ये टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन है जिसमें आपको ये वाली बात समझ में आ जाएगी कि या वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करता है या फिर वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन करता है। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल मतलब बाहर, फर्टिलाइजेशन मतलब यूनाइट होना, बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होना इस एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। दिस इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम आउटसाइड द बॉडी ऑफ अ फीमेल इन एन एक्वेटिक मीडियम। इट इज मोर कॉमन इन लोअर एनिमल एंड स्पेशली दोज दैट आर सेसाइल। ड्यूरिंग मैटिंग स्पर्म एंड एग्स आर डिस्चार्ज एट द सेम टाइम इन वाटर वेयर एग्स आर फर्टिलाइज बाय स्पर्म। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कैन नॉट टेक्स प्लेस आउटसाइड द वाटर। Among higher animals, most of the fishes and amphibians like frog exhibit the process of external fertilization. ठीक है, देखिए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जब आप वर्ड सुने ना, तो ये तो आपको वर्ड से ही समझ में आ गया कि एक्सटर्नल मतलब बाहर, फर्टिलाइजेशन मतलब यूनाइट होना, बॉडी के बाहर दो गैमेट्स का यूनाइट होना, फर्टिलाइजेशन होना इस एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब जब भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगी तो वहाँ पे आपको एक मीडियम चाहिए होता है फॉर द यूनियन ऑफ गैमीट्स। तो मीडियम हमेशा वो क्या होता है, वाटर होता है। विदाउट वाटर जो है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। अब क्या होता है कि जो मेल है, कोई भी मेल ऑर्गेनिज्म है, वो अपना जो है स्पर्म जो है वो वाटर में रिलीज करेंगे और फीमेल जो है वो अपना एग जो है वो वाटर में रिलीज करेंगे। ठीक है, तो स्पर्म जो है वो आएगा एग के पास और वो उसको फ्यूज़ हो जाएंगे और जाइगोट बना देगा। जाइगोट बना देगा, इस तरह से पूरी फर्टिलाइजेशन का हो रही है, बॉडी के बाहर हो रही है। ठीक है, पानी के बिना जो है ये मुश्किल होता है, ये हो नहीं सकता। अब ज़्यादातर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो किन के अंदर होता है, लोअर एनिमल्स के अंदर होता है, या तो उन एनिमल्स के अंदर जो सेसाइल हो। सेसाइल मतलब जो चल फिर नहीं सकते, एक ही जगह पे मूव रहते हो। ठीक है, मैटिंग वाले अच्छा इन्होंने यहाँ पे एक और बताया कि मैटिंग में क्या होता है कि दोनों अपने स्पर्म डिस्चार्ज करते हैं, और फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, दोनों यूनाइट हो जाएंगे। ये बात आपको पता है, इसलिए मैंने इसमें हाईलाइट नहीं करी थी। अब हाइयर एनिमल में उन्होंने दो एग्जांपल दी कि फिशेस और एम्फीबियन जैसे फ्रॉग जो है, ये लोग भी क्या करते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं। फर्टिलाइजेशन की सेकेंड टाइप हमारे पास आ जाती है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल मतलब इनसाइड द बॉडी। ठीक है, इनसाइड द बॉडी जो फर्टिलाइजेशन होगी वो कहलाएगी इंटरनल। इन दिस केस द एग आर फर्टिलाइज इनसाइड द बॉडी ऑफ अ फीमेल। इंटरनल फर्टिलाइजेशन इज द रूल ऑफ ऑल टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, तो मैनी एक्वेटिक स्पीशीज आर ऑल्सो एक्सरसाइज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। भाई इन्होंने कहा कि बॉडी के इनसाइड जो फर्टिलाइजेशन होगी वो कहलाएगी इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है वो रूल है कि तमाम टेरेस्ट्रियल एनिमल में, जो जमीन पर रहने वाले एनिमल है, उनके अंदर होती ही होती है। इसके अलावा कुछ एक्वेटिक स्पीशीज ऐसी हैं जो पानी में रहने वाली स्पीशीज हैं, कुछ के अंदर जो है वो इंटरनल भी होती है। As the egg are protected inside the body of a female and chances of fertilization are much higher, the number of egg are produced in such animal is far less than those that lay their egg in water. अच्छा, इन्होंने बोला कि इनका जो egg होता है वो body, female body के अंदर protected होता है, तो fertilization जो है वो ज़्यादा effective होती है, ज़्यादा brighter होती है, ज़्यादा chances होते हैं कि fertilization होता है। ठीक है, दूसरा क्या है कि इन्होंने बोला कि जो पानी में रह के एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं, उनके मुकाबले में ये जो एग प्रोड्यूस करते हैं वो कम क्वांटिटी में प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, टेरेस्ट्रियल एनिमल जो है एग लेने की जो उनकी क्वांटिटी है वो कम है एज़ कम्पेयर टू द एक्वेटिक स्पीशीज, वो ज़्यादा नंबर ऑफ एग्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट मेन तो आपने वर्ड से याद रखना है। वर्ड से आप देखेंगे तो आपको पूरी डेफिनेशन याद आनी चाहिए कि इंटरनल इनसाइड द बॉडी, एक्सटर्नल आउटसाइड द बॉडी। इसके बाद छोटा सा टॉपिक है इसी के साथ ही, सेक्स टाइप्स।
सेक्स टाइप्स में हमारे पास आ जाते हैं यूनिसेक्सुअल एनिमल और बाईसेक्सुअल एनिमल। यूनिसेक्सुअल एनिमल में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द एनिमल हैव अ डिस्टिंक्ट सेक्स दैट ईदर मेल और फीमेल हैविंग टेस्टिस और ओवरीज रिस्पेक्टिवली। सच एनिमल विच हैव ओनली वन टाइप ऑफ गोनेड्स आर सेड टू बी यूनिसेक्सुअल, डायोशियस और हेट्रोफ्रोडाइट। ऐसे एनिमल जिनके अंदर कोई एक किस्म के सेक्स सेल पाए जाएँ, कोई एक किस्म के गोनेड्स हों, या तो टेस्टिकल्स हों या फिर ओवरीज हों, ठीक है, ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल या फिर डायोशियस या फिर हेट्रोफ्रोडाइट। अगर आपका डिफाइन द टर्म्स में आ जाता है कि डायोशियल डिफाइन करें या हेट्रोफ्रोडाइट, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने फौरन याद रखना है कि ये यूनिसेक्सुअल के ही अदर्स नेम है। फिर आ जाता है बाईसेक्सुअल एनिमल, एनिमल हैविंग बोथ टाइप ऑफ गोनेड्स दैट इज टेस्टिस एंड ओवरीज। दे आर नॉट ओनली डेवलप बट आर फंक्शनल इन ईच ऑफ दीज इंडिविजुअल, hence they produce both sperm and ova. such animal are called bisexual or hermaphrodite or monoecious. example worms, parasites like liver fluke. देखिए bisexual का मतलब ही, सबसे पहले मैं आपको हमेशा ये कहती हूँ कि आप जो basic word है ना उसको ही तोड़ के उसके meaning लिया करें। यूनि मतलब सिंगल, सेक्स मतलब सेक्सुअल, गोनेड्स, ठीक है, तो वन गोनेड्स होंगे तो यूनि, बाय मतलब टू, सेक्सुअल एनिमल तो बाय सेक्सुअल मतलब हैविंग टू सेक्स, ठीक है, लाइक टू गोनेड्स मेल भी होंगे और फीमेल भी होंगे। ऐसे एनिमल जिनकी बॉडी में दोनों सेक्स सेल पाए जाएं, मेल भी और फीमेल भी, और वो सिर्फ पाए नहीं जाएं बल्कि वो फंक्शनल भी हो, लाइक वो स्पर्म भी फॉर्म कर रहे हो और वो ओवा भी फॉर्म कर रहे हो, तो ऐसे एनिमल कहलाते हैं बाईसेक्सुअल एनिमल्स और हर्माफ्रोडाइट और मोनोशियस कहलाते हैं। इसमें हमारे पास पैरासाइट्स आ जाते हैं, अर्थवॉर्म आ जाता है। फिर आ जाती हैं दो और टर्म जिसमें कहते हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन और सेल्फ फर्टिलाइजेशन। एग्स आर फर्टिलाइज बाय द स्पर्म ऑफ एन अदर इंडिविजुअल। सेल्फ फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, एग्स आर फर्टिलाइज होता है स्पर्म ऑफ सेम इंडिविजुअल। जैसे कि अगर एक ही बॉडी में दोनों फॉर्म हो रहे हैं स्पर्म और ओवा, तो अगर वो अपने ही अपना ही एग जो है वो स्पर्म फर्टिलाइज कर दे तो वो कहलाती है सेल्फ फर्टिलाइजेशन, मतलब सेम इंडिविजुअल के अंदर सेम ही इंडिविजुअल कर रहा है। और क्रॉस में क्या होता है कि उसके एग को कोई दूसरे एनिमल का या दूसरी स्पीशी दूसरे एंड अदर एनिमल का जो ना स्पर्म आगे उसको फर्टिलाइज करे, तो ऐसी फर्टिलाइजेशन को हम कहते हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन। ठीक है, बहुत सिंपल है, सेल्फ मतलब खुद ब खुद, खुद अपनी ही आपको करना, क्रॉस मतलब कोई दूसरा आके फर्टिलाइज कर रहा है। इसके बाद एक और टर्म आ जाती है ओवीपैरिटी। ठीक है, ओवीपैरिटी से क्या मुराद है, एग ले करना इज कॉल्ड ओवीपैरस या ओवीपैरिटी। ठीक है, द फीमेल गैमेट्स कॉल्ड एग और ओवा आर प्रोड्यूस इन द ओवरी लोकेटेड इनसाइड द बॉडी ऑफ अ फीमेल। ठीक है, ये तो हमें सबको ही पता है कि जो एग्स और ओवा हैं वो कहाँ फॉर्म होते हैं, ओवरी के अंदर होते हैं, और ओवरी कहाँ लोकेटेड होती है, बॉडी ऑफ द फीमेल के अंदर। इन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स द एग आर लेड इन देयर एनवायरमेंट, सच एनिमल्स आर कॉल्ड ओवीपैरस। कुछ एनिमल्स जो हैं वो अपना अंडा बाहर दे देते हैं, इन्वायरमेंट में इंट्रोड्यूस करा देते हैं, ऐसे एनिमल जो अंडा देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ओवीपैरस एनिमल्स। द एग्स मे हैव ऑलरेडी बीन फर्टिलाइज बिफोर बीइंग लेड इंटरनल फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन आफ्टर दे आर लेड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इन्होंने कहा कि एग जो है कुछ टाइम ऐसा होता है कि जैसे पहले एग दे दिया और वो बाहर जो है वो फर्टिलाइजेशन होगी, तो बाहर जब होगी तो वो क्या कहलाता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और सम टाइम ऐसा होता है कि जब वो एग ले करते हैं तो उस टाइम उनकी फर्टिलाइजेशन हुई भी होती है, लाइक बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होके आता है फिर उसके बाद वो एग ले करती है, तो ऐसी वो क्या कहलाती है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जैसे कि चिक में हम पढ़ेंगे अभी चैप्टर 5 में कि जब वो एग ले करती है तो फर्टिलाइजेशन जो है वो बॉडी के इनसाइड हो जाती है, उसके बाद वो एग ले करती है। एग ऑफ ओवीपैरस एनिमल्स आर यूजुअली लार्ज इन नंबर्स। ठीक है, ओवीपैरस एनिमल जो है वो एक एग नहीं देते, लार्ज इन नंबर मतलब ज़्यादातर क्वान्टिटी में एग देते हैं। इन टेरेस्ट्रियल एनिमल द एग आर ऑलवेज प्रोटेक्टेड बाई टफ वाटर प्रूफ शेल। ठीक है, दीज शेल आर परमिएबल टू गैसेज, शेल प्रोटेक्ट देम फ्रॉम बींग ड्राइंग आउट। अब इन्होंने बोला जो जमीन पर रहने वाले एनिमल हैं जब वो अपना अंडा देते हैं तो उनका एग जो है वो कवर हुआ होता है हार्ड पोरस कैलकेरियस शेल से। ठीक है, क्योंकि वाटर प्रूफ होता है।
अब क्यों ऐसी सारी फीचर है जमीन पर रहने वाले एनिमल के एग की, ये मैं अभी आपको बताती हूँ। अच्छा, ये जो एग है, एग शेल जो होता है वो सिर्फ परमीएबल होता है किसके लिए, गैसेस के लिए, ताकि वो रेस्पायर कर सके। सिर्फ गैसेस जो है वो इन आउट हो सकती हैं। शेल जो होता है, एग शेल जो होता है, वो इनसाइड जो ऑर्गेनिज्म होता है या जो एग होता है उसको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम हार्श एनवायरनमेंट। अगर उसका प्रोटेक्टेड शेल नहीं होगा जो कि वाटर प्रूफ है, तो सारा वाटर तो उसका लॉस हो जाएगा, ठीक है, डिहाइड्रेशन हो जाएगी और वो डाई हो जाएगा। तो उसको वाटर से बचाने के लिए, उसको वाटर लॉस से बचाने के लिए, उसको टेम्परेचर के हार्ड इफेक्ट से बचाने के लिए, इन सब चीज़ों से प्रोटेक्ट करने के लिए वो किसके अंदर कवर होता है, हार्ड कैल्केरियस शेल के अंदर कवर होता है। इसके बरक्स, द एग ऑफ एक्वेटिक ओविपेरस एनिमल बींग लेड इन वाटर आर कवर्ड सिंपली बाई जेलेटिनस मेम्ब्रेन, एग आर लार्ज इन साइज बिकॉज दे कंटेन इनफ स्टोर्ड न्यूट्रिएंट और योक फॉर एम्ब्रियो विच कम्प्लीट इट्स डेवलपमेंट इन साइड द एग बिफोर हैचिंग आउट। ठीक है, इन्होंने बताया कि एक तो ज़मीन पर रहने वाले एग की कंडीशन बता दी कि किस तरह की कंडीशन होती है। अब जो पानी में रहने वाले एनिमल होते हैं, जो उनके एग्स होते हैं, वो कवर्ड नहीं होते हार्ड शेल से। क्यों? क्योंकि पानी के अंदर है ना, उनको टेम्परेचर का इतना इफेक्ट हो रहा है, और वाटर उनके पास वैसे ही इनफ वाटर है, तो उनको वाटर की कमी नहीं आ सकती। तो उनको ऐसा कोई खदशा नहीं होता कि हमें वाटर लॉस से बचना है या टेम्परेचर से बचना है। तो इस वजह से उनका वो पतली सी जेलेटिनस मेम्ब्रेन से जो ना कवर होता है, कोई शेल वेल नहीं होता। इसके अलावा उनका साइज जो है जमीन पर रहने वाले एनिमल्स के मुकाबले में क्या होता है, बड़ा होता है। अब क्यों साइज बड़ा होता है? क्योंकि उनके अंदर बहुत सारा न्यूट्रिएंट मटेरियल होता है, बहुत सारी जर्दी होती है, योक होती है, जो कि एग के अंदर डेवलपिंग एम्ब्रियो उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। जब तक कि वो पूरा डेवलप ना हो जाए, वो पूरा ग्रो ना हो जाए, इतनी न्यूट्रिशन होती है कि वो इनफ होती है उसकी फुल डेवलपमेंट के लिए। उसके बाद जब वो कम्प्लीटली डेवलप हो जाता है, तो वो हैच आउट होके बाहर आ जाता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा, लेकिन स्टिल अगर आपको किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है, तो आप दिए हुए इन कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन अवर यूट्यूब चैनल अल्पाइन अकेडमी। थैंक यू।